उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुनाव हुआ ना। देश का पीएम कैसा हो? हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत, देश का पीएम कैसा हो? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कल भी हम पार्टी ऑफिस में कर चुके, कोई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव। और ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, जिनके लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चल रही है वो खुद हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, कल भी मैंने पार्टी के लोगों से कहा था कि मुझे नहीं, मैं तो केवल विपक्ष के लोगों को एकजुट करने में जुटा हूँ। एक बार फिर से सुनिए ये तस्वीरें और ये बयान। उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी, लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुनाव हुआ ना। देश का पीएम कैसा हो? हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत, देश का पीएम कैसा हो? हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कल भी हम पार्टी ऑफिस में कर चुके, कोई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव। और तो आपने सुना, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस बीच जेडीयू के कार्यकर्ता ने देश का पीएम कैसा हो का नारा लगाया। नीतीश कुमार जैसे ही आवाज़ सुने हाथ जोड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगे, बोले कि मैं तो विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुटा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तमाम विपक्ष के लोग एक साथ एक मंच पर आ जाए, जिससे केंद्र में बैठे हुए लोग घबरा जाएं। केंद्र के लोगों की तो पहले से ही बेचैनी बढ़ी हुई है, इसलिए वो कई तरह के बातें कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की सुगाहट से केंद्र में बैठे लोगों के होश उड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 6 महीने तक इंतजार किए और तब जाकर राहुल गांधी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार काफ़ी गदगद हैं, केजरीवाल से भी मिले। केजरीवाल से हुई मुलाकात के बाद जो बातचीत का अंश है उसे भी नीतीश कुमार ने बताया है और कह रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम सफल हो और इसके लिए फिलहाल किसी चेहरे की बात नहीं हो रही है, बल्कि तमाम नेताओं के गठबंधन की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो 24 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं चुनौवा तो होबे ना करेगा, चुनौवा होगा। इस चुनाव के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही देश में विपक्षी चेहरे के नाम पर भी मुहर लगेगी और नीतीश कुमार के इस विपक्षी नेताओं को जोड़ने वाले मुहिम पर जो सफलता के जो मुहर लगनी है वो भी लगेगी। नीतीश कुमार देश भर में विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं, ऐसे में खुद नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की भी खूब चर्चा है। जेडीयू के नेता तो देश भर में घूम घूम कर ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही पीएम मटेरियल है, लेकिन खुद पीएम मटेरियल नीतीश अब इस बात से बचना चाहते हैं। विधानसभा में तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश जी को प्रधानमंत्री। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को भविष्य का पीएम देख रहे हैं, उनके स्वागत भी प्रधानमंत्री वाले अंदाज में ही किया जा रहा है। जहां जाते हैं नीतीश वहां नारा भी यही लगता है, लेकिन नीतीश को यह बातें समझ में आ गई है कि अभी वो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होंगे तो जो विपक्षी एकजुटता का गठबंधन का सपना वो देख रहे हैं वो टूट कर बिखर जाएगा। अगर वो बिखर जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री का सपना देखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। नीतीश जानते हैं कि समय की नज़ाकत क्या है, ऐसे में प्रधानमंत्री से ज़्यादा ज़रूरत प्रधानमंत्री के लिए नेताओं को एकजुट करना है, तब तो नरेंद्र मोदी से मुकाबला हो सकता है। नीतीश कॉन्फिडेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आत्मविश्वास सीधे तौर पर विपक्षी एकजुटता को लेकर है। अब देखना है कि नीतीश जिस तरीके से अपने ही लोगों को हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं इसका असर कितना पड़ता है। जब हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, और फिर तो हम तो बात कर ही चुके, जब हम लोगों की बातचीत हो गई कांग्रेस पार्टी सब साथ ही बैठ करके ना बोले, अब वही बोले साथ बैठते, अब उनके ऊपर कार्रवाई या जो कुछ करता जान ही न रहे। एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है,
तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुनाव हुआ ना, देश का पीएम कैसा हो, हम नहीं बनेंगे। अरे ये देश का पीएम कैसा हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कर चुके, भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे, और जब एक साथ सारी पार्टियां बैठेगी तो आगे का क्या क्या करना है हर चीज डिसाइड हो जाएगा और सब चीज को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, और कौन पार्टी कहाँ किन सीटों पर लड़ेगी ये सब डिसाइड हो जाएगा, और एक साथ मिलकर यात्रा पर भी सर निकलेंगे सर, यात्रा पर जो होगा परिणाम जनता मालिक फैसला करेगी सर, यात्रा पर भी निकलने वाला है सर, कब से माना जाए करेंगे ना, इसके बाद तो करेंगे ना, अभी तो हम शुरू फिर तो करवे किए थे, हम 7 महीना वेट कर रहे थे, फिर वहाँ से खबर आई तक गए, बात हो गई है, अब तो आप बिल्कुल हो रहा है ठीक। अभी हमको भी जिम्मेवारी है कि कुछ लोगों से और बात कर लीजिए और फिर और लोग बात कर लेंगे, सब लोग एक साथ बैठ करके निर्णय ले लेंगे। तो कही थी लोग ममता जी से बात होगी सर, बात होगी क्योंकि बात हो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब, ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।